सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक कोर्स का जिक्र किया था जिसका नाम है CBID। CBID एक ऐसा कोर्स है जो 6 मंथ का कोर्स है, जिसे करने के बाद आप एक दिव्यांग मित्र कहलाएंगे। ठीक है, 6 मंथ का ये कोर्स है, स्पेशल एजुकेशन का कोर्स है। 10th के पास अगर आप कर चुके हैं, 10th के बाद आप इसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 10th आपकी क्वालिफिकेशन है, स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में आए, तो RCI ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है CBID बोलते हैं। 6 मंथ का कोर्स है, इसे करने के बाद आपको दिव्यांग मित्र की उपाधि दे दी जाएगी। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर, इस कोर्स को करें कैसे, इस कोर्स का आवेदन कैसे करें, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है, प्रोसेस क्या है इसकी। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि CBID का जो कोर्स है उसको कैसे करना है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, कैसे इसको अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना होगा। तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकें तो आपको एक काम करना होगा, एक मैसेज लिखना होगा आपको, एडमी आगे आपका नेम, और इसे सेंड करना होगा दिए गए नंबर पे 8824140032। इस नंबर पे जैसे ही आप एक मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप में ऐड कर लिया जाएगा। आपको डेली जैसे ही अपडेट्स आ जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलने लग जाएगी। एडमी आपका नेम 88241 40032 पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम के चैनल के साथ कनेक्ट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, और साथ में आपको फेसबुक के ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहां भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका नेम है TST गुरविंदर, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे, उस फॉर्म पे, जिसको डिस्कस करना आज की वीडियो का प्राइमरी रीजन है वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, अपने पहुंच चुके हैं CBID का जो फॉर्म है उसके ऊपर। CBID आपका जो कोर्स है उसके फॉर्म को डिस्कस करेंगे अब अच्छे तरह से, और देखेंगे क्या क्या आपको डिटेल्स देनी होगी और इस फॉर्म को कहां सबमिट करवाना होगा, कहां से आपको फॉर्म मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, ये आपका CBID एन ओवरव्यू, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू CBID CBID ट्रेनिंग प्रोग्राम। Applicants are advised to fill up the form carefully and to be submitted to the respective training institutes along with required documents. दोस्तों, इस फॉर्म को अच्छे से फिल करना और इसे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 16 सेंटर्स हैं जहां पे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो राइट कॉर्नर पे आपको एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वो 16 सेंटर कौन से हैं। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट कराने होंगे अलोंग विद द फॉर्म। एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन NBR के द्वारा एग्जाम्स लिए जाएंगे RCI। एप्लीकेंट्स में प्लीज सी द डिटेल्स ऑफ रेगुलेशन एंड स्कीम एग्जाम्स ऑफ NBR वेबलेट काउंसिल्स वेबसाइट। जो भी एग्जाम होंगे इस कोर्स के उसको देखने के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये तो रही मेन बात। अब बात करते हैं फॉर्म की। तो दोस्तों, आपको फॉर्म भरने के लिए एक तो फोटो लगेगी जो यहाँ पे आपको चिपकानी होगी, चस्पा करनी होगी 4 cm x 5 cm साइज में, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। आपको सेल्फ अटेस्टेड एक फोटो यहाँ पे चिपकानी है। उसके बाद प्रेफरेंस दे रखी है 3,
उससे पहले बताते हैं इनरोलमेंट के लिए, आई विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू सीबीआईडी ट्रेनिंग प्रोग्राम एट आरसीआई अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन द फॉलोइंग प्रेफरेंस ऑर्डर। तो तीन प्रेफरेंस दे रखी हैं, इसमें आप फर्स्ट चॉइस डालोगे आप कौन सा सेंटर आप करना चाहते हैं, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस डालोगे, उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस डालोगे, ठीक है। इन तीनों प्रेफरेंस डालने के बाद आपको अपना नेम लिखना है, आगे फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखना है विद हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर। दोस्तों ये आपको फॉर्म फिल करना होगा खुद से पेन से। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे इस फॉर्मेट में, DDMMYY। देन नेशनलिटी लिखेंगे, आपनी इंडियन है या आप नेपाल से हैं, भूटान से हैं। मोबाइल नंबर लिखेंगे आप अपना बॉक्स में, अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, आधार कार्ड लिखेंगे। उसके बाद वेदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, आप जॉब में है, रोजगार है आपके पास या नहीं है, रोजगार में है या बेरोजगार है, उस पर टिक कर देंगे। इफ एम्प्लॉयड फर्निश द ऑफिस एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको एड्रेस लिखना है ऑफिस का और टेलीफोन नंबर भी लिखना होगा। वेदर बिलोंग्स टू एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस प्लीज टिक इफ यस। अटैच सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको वहां टिक करके जो डॉक्यूमेंट्स आप साथ देंगे उसका भी एक जीरोक्स कॉपी देना होगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद आपको यहां पे टेंथ की डिटेल्स लिखनी है, आपके बोर्ड का नेम लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, सब्जेक्ट्स लिखने हैं और परसेंटेज लिखनी है। ट्वेल्थ की डिटेल्स लिखनी है, ग्रेजुएशन की डिटेल्स लिखनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है या कुछ भी कर रखा है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कर देंगे। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ अकेडमिक क्वालिफिकेशंस एज मेंशन इन द अबव कॉलम टू बी अटैच्ड अलोंग विद दिस फॉर्म। सारी कॉपीज आपको यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपीज अटैच करनी होंगी इस फॉर्म के साथ। आगे बात करते हैं डिक्लेरेशन की। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रेड and understood the eligibility conditions for admission to CBID training program. I fulfilled the minimum eligibility criteria and have provided relevant information and documents in this regard. दोस्तों एक शपथ पत्र है, declaration है कि जो भी terms है वो मैं समझता हूँ, जो भी eligibility का criteria है उसके अंदर मैं आता हूँ, ठीक है, इस admission को लेने के लिए। इन द इवेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन बींग फ्रॉड इनकरेक्ट और मिसलीडिंग माई कैंडिडेचर शैल बी लाइबल फॉर कैंसिलेशन। अगर इनमें से कोई भी चीज गलत पाई जाती है तो मेरा जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल कर दिया जाए बाय द आर सी आई और कंसर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट एनी टाइम। किसी भी टाइम आर सी आई या संबंधित विभाग मेरे कैंडिडेसी को कैंसिल कर सकता है। यहाँ पे डेट आ जाएगी, प्लेस आ जाएगी, साइन आ जाएंगे कैंडिडेट के जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके। अब बात करते हैं आगे क्या लिख रखा है। प्लीज नोट टू सेट्स ऑफ जीरोक्स कॉपीज ड्यूली सर्टिफाइड ऑफ द मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ द क्वालिफाइंग एंड अदर एग्जामिनेशंस। आपको साथ में ये सारी चीजें देनी होंगी, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा साथ में अगर आप एप्लीकेबल है तो। दोस्तों ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म था जिसमें आपको डिटेल्स भरनी है। अब आगे इसमें दे रखा है फॉर ऑफिस यूज के लिए रिसीव, आप अगर बाय पोस्ट करेंगे तो वो बाय पोस्ट से कर देंगे, बाय हैंड करेंगे तो हैंड पे टिक कर लेंगे। ये ऑफिस यूज के लिए, अपना काम का नहीं है ये। अब बात करते हैं एग्जाम पर्टिकुलर्स, कैसे कैसे एग्जाम्स होंगे इसके और क्या उनकी फी रहेगी। इनरोलमेंट फी 500 रहेगी, ठीक है, वो उस इंस्टीट्यूट को देनी होगी जहां पे आपका एडमिशन है। एग्जाम फी रहेगी 150 पर पेपर रहेगी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। मार्क्स कार्ड फी रहेगी 50 रुपीज़। सर्टिफिकेट फी रहेगी 50 रुपीज़। कुरियर या पोस्टेज के जो भी चार्जेस हैं वो रहेंगे 110 रुपीज़। ये इन्होंने फी बता रखी है। उसके बाद आपको एक स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, स्टूडेंट्स आईडी कार्ड फॉर सीबीआईडी ट्रेनिंग प्रोग्राम।
टू बी इशूड बाय ट्रेनिंग सेंटर, फोटोग्राफ लगा के पूरी डिटेल्स आपकी यहाँ पे फिल कर देंगे, ये सेंटर करेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, एप्लीकेशन फॉर्म है ये, आप इसे फिल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसे सेंड कर देना आप जो भी संबंधित विभाग है, ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे। तो बात करते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाल दूंगा, इस पीडीएफ फॉर्म को मैं वहाँ सेंड कर दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसे फिल करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके संबंधित विभाग को सेंड कर दीजिए ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी इम्पोर्टेंट लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं, अगर नहीं आए हैं पहली बार और पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।